PWD department. PWD department. PWD department. मेरा नाम है मिंता शर्मा। अस ये आखना चाहते हैं साढ़ा रोड टुटे दा या रोड बनने चाहिए। एक्सीडेंट वगैरह बड़े होंगे इतने, एक्सीडेंट वगैरह बड़े होंगे न, तो उन्हें यह सोचने चाहिए PWD वाले भला रोड बनने चाहिए, इतने नाला निकलने चाहिए। सानू बड़ी प्रॉब्लम है इतने। किन्ने चिर होई आंटी रोड गले टुटे? ये रोड बड़ा चिर होई टुटे दे। बनाया नहीं इतने दो ढाई साल हो गया, इन्हें बनाया नहीं है अजे। क्या आखना चाहते हो प्रशासन? अस ये गल आखना चाहते हैं इतने रोड बनने चाहिए, लुक पाने चाहिए, नाला निकलने चाहिए। मेरा नाम राहुल शर्मा, मैं यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ। और जी आपके सामने रोड है बिश्नाह बड़ी ब्राह्मणा रोड है चक्का बतारा के पास। लगभग दो ढाई साल हो गए ये रोड टूटा हुआ है। किसी ने भी यहाँ पे रोड को ठीक करने की कोशिश नहीं की। हमारे द्वारा एक साल पहले PWD डिपार्टमेंट को प्रार्थना पत्र सौंपा गया, एप्लीकेशन सौंपी गई, जिसमें हमने लिखा गया उनको कि यहाँ पर नाला बनना चाहिए, क्योंकि नाले के कारण अगर नाला नहीं है उसी कारण यहाँ पर पानी जमा रहता है, रोड टूट जाता है सारा। पर आज 10 महीने हो गए, उन्होंने इसकी कोई सुध नहीं ली। हमने उनको बकायदा पहले एप्लीकेशन दी, फिर उन्होंने हमें बोला कि RS पूरा से मार्क करवा के आओ। हमने मार्क करवा के भी एप्लीकेशन उधर दी, पर उनका रवैया थोड़ा ऐसे ही था कि वो जैसे अनदेखा कर रहे हो। उसके बाद भी हमने हफ्ते हफ्ते उनके पास चले गए फॉलो अप लेने के लिए, फिर भी वो यही बोलते रहते हैं कभी आप बहू प्लाजा जाओ, कभी आप फलानी जगह जाओ। मतलब कोई इसको सीरियस नहीं ले रहे हैं। पिछली बरसात में भी हमने कोई 8-10 बंदे जो इधर एक्सीडेंट हुआ था उनको अपने हाथों से अस्पताल पहुँचाया था। और इस बरसात में भी यही हाल, अभी जहाँ पर पानी भरा हुआ है ये खड्डे दिख नहीं रहे। जब पानी सूख जाएगा तो खड्डे कम से कम आधा आधा फुट गहरे खड्डे हैं। कोई भी जब गाड़ियाँ जाती नीचे से गाड़ियाँ लग जाती हैं, एक्सीडेंट होने का खतरा है। आस पड़ोस में दुकानें हैं, यहाँ पर पत्थर बजने का खतरा है। गाड़ियाँ जाती हैं पत्थर गिरते हैं उधर दुकानों पर, किसी के शीशे टूट रहे हैं, किसी के कुछ। और जब हम PWD डिपार्टमेंट के पास जाते हैं वो सीरियस नहीं लेते हैं इस चीज़ को। अगर कल को जहाँ पर कोई हादसा होता है तो उसका जिम्मेवार PWD डिपार्टमेंट होता है, और उल्टा वो हमें ऐसी बातें बोलते हैं जिनका कोई तर्क नहीं। हमें बोलते हैं कि अगर आपके इधर नाला नहीं है तो आप खड्डा निकलवा लो। रोड पे कोई खड्डा कैसे निकलवाएगा? फिर भी हमने उनके कहने पे ये देखिए ये इधर हमने एक खड्डा ड्रम वगैरह इधर दफनाया गया, फिर भी जब ड्रम का पानी ओवरलोड हो जाता तो वो सामने ही जाएगा, वो नाला नहीं बनाते। हमें बोलते हैं कि आप पानी का कम उपयोग करो। क्या हम नहाना छोड़ दें, बर्तन धोना छोड़ दें, कपड़े धोना छोड़ दें? ऐसे कुतर्क की बातें करते हैं। और प्रशासन यहाँ पर आंखें बंद करके बैठा हुआ है, ये किसी हादसे को न्योता दे रहा है। अगर कल को इधर कोई हादसा होता है तो उसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। PWD डिपार्टमेंट में इधर से कोई 50 मीटर दूर है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। और जहाँ पर वो आते नहीं देखने के, अगर कभी कभार आए तो जहाँ पर मिट्टी फेंक के चले जाते हैं, जिससे और कीचड़ हो जाता है और टायर स्लिप होते हैं और लोग गिर जाते हैं। प्रशासन से क्या मांग है? प्रशासन से यही मांग है कि इधर सबसे तो पहले नाला बनना चाहिए। जैसे पहले उधर साइड वो वाली साइड पे नाला नहीं था, रोड वहाँ से टूटा था, वो वाला नाला बन गया, वैसे ही इधर नाला बन जाए और इस पे लुक डाल दी जाए, ताकि रोड एक बार बन जाएगा तो नाला भी बना होगा, तभी इसका जो सोल्यूशन है वो होगा।